हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बारिश का मौसम है, इसमें पकोड़े खाना तो बनता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो ये पकोड़े झट से बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें ना तो बेसन डलता है और ना ही सोडा। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूँग की दाल के पकौड़े, जो महाराष्ट्र की फेमस डिश है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने मूंग की दाल ली है, जिसे मैंने एक घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिया। ये दाल अच्छे से फूल गई है। अगर आपको पकोड़े जल्दी से बनाने हैं तो गर्म पानी में 15 मिनट पहले भी भिगो सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब डालेंगे हरी मिर्च और अदरक और इन सबको दरदरा पीस लेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। दाल को हम जितना दरदरा पीसेंगे पकोड़े खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। इसी तरीके से बची हुई दाल को भी हम पीस लेंगे। ये सारी दाल हमारी पिस गई है। अब हम इसे किसी बड़े बाउल में निकाल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे हींग। हींग से पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे स्किप ना करें। मसाले आप जितने ज़्यादा यूज़ करेंगे पकौड़े खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। आप इस समय प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अपनी किसी रेसिपी में प्याज यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ मैंने घर के पिसे मसाले यूज़ करे हैं। वैसे तो मार्केट में भी पिसे हुए मसाले मिलते हैं, लेकिन घर के पिसे मसाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप देख सकते हैं कि बैटर हमें इस तरीके का रखना है, इसे पतला नहीं करना है। अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गर्म करेंगे। हम इसको एक बार और चला लेंगे। ऑयल में थोड़ा सा बैटर डालकर चेक करेंगे। अगर ये ऊपर तैरने लगे तो समझो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच या हाथ, दोनों किसी से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपको हाथों से डाल के बता रही हूँ। ऐसे छोटे छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखना है। इसके बाद हल्के हाथों से इनको पलट देंगे। ध्यान रखना है कि एक साइड से ब्राउन होने पर ही दूसरी साइड पर पलटना है, और इस तरीके से हम दोनों साइड से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाए। गैस को मीडियम ही रखना है। अगर हम हाई फ्लेम पर रखेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। अभी हमारे पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इन्हें हम स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है और ये ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहते हैं। ऐसे ही हम बचे हुए बैटर के पकोड़े भी बना लेंगे। अगर आपको हाथ से पकोड़े बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस तरीके से चम्मच से पकोड़े बना सकते हैं। सारे पकोड़े हमारे तैयार हैं, तो मैं इन्हें गर्मा गर्म खाने के लिए सर्व करती हूँ टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ। आप इन पकोड़ों को गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बच्चों के हिसाब से ही तीखा रखें। खाने से पहले आप इन पर थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप इस मूंग दाल के कुरकुरे और मसालेदार पकोड़े की रेसिपी को अपने घर पर अवश्य ट्राई करें। ये पकोड़े आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।